हम लोग गए हुए थे बायोडाइवर्सिटी पार्क, लेकिन वहाँ का आलम यह है कि संडे और सैटरडे दो दिन खुलता है, 11 बजे से 5 बजे तक टाइम लेगा। इस गर्मी के दिन में 11 बजे कौन घूमने जाएगा? 5 बजे आदमी घूमने जाता है, 5 से कम 6 साढ़े 6 तो खुला होना चाहिए, लेकिन 5 बजे बोला है वापस जाइए 11 से 5 तक। इस 11 बजे कौन घूमने जाएगा? शाम में बच्चे लोग घूमने जाते हैं, शाम का समय है, अभी हम वहाँ से वापस आ रहे हैं। जिस नगरी के राजा बोले मैं अच्छा, वहाँ की जनता के हालात क्यों है खस्ता? जिसे अडानी कंपनी ने गोद ले लिया, उसे भी सहना पड़ा बदहाली की मार। बड़े तो बड़े, बच्चे भी जिस नगरी में हो गए बेहाल, वहाँ के राजा कैसे बोले मैं सबसे शानदार? जिस शहर में सिर्फ 2 पार्क हो, उसकी भी स्थिति खराब हो, वहाँ के बच्चे क्यों ना हो जनप्रतिनिधि से नाराज? 20 शहर में एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क है जिसकी स्थिति बदहाल है। झूले के लिए जहाँ 2 झूले हो वो भी टूटे। सीसॉ भी जर्जर अवस्था में है। चिल्ड्रन स्लाइड भी जगह जगह से टूटा हुआ है। पार्क में लगी लाइट खराब है। फाउंटेन की सफाई का कोई खासा ध्यान नहीं है। पार्क की खराब स्थिति देख बच्चे भी यहाँ आने से कतराने लगे हैं। जिस पार्क में बच्चे के खेलने के लिए लगाए गए उपकरणों का ध्यान नहीं रखा जाता हो, सभी उपकरण जर्जर अवस्था में हो, वहाँ आखिर बच्चे करे भी तो क्या करे? जानकारी हो, इस पार्क को अडानी कंपनी ने गोद लिया है, बावजूद इसके गोड्डा का ये चिल्ड्रन पार्क खराब स्थिति में है। वहीं दूसरी ओर गोड्डा का बायोडाइवर्सिटी पार्क, जिस पार्क के खुलने का समय हफ्ते में 2 दिन होता है, एक शनिवार दूसरा रविवार, समय निर्धारित किया गया है दोपहर 11 बजे से शाम 5 बजे तक का। इस प्रचंड गर्मी में आखिर बच्चे नौजवान इस पार्क में जाएं तो जाएं कैसे? 2 दिन का समय, इस पर भी समय सारनी ऐसी। क्या पार्क मैनेजर ऐसा चाहते हैं कि बच्चे पार्क में आए ही नहीं? क्यों इस पार्क को खोलने का समय नहीं बढ़ाया जा रहा है? गांधी मैदान में युवा अभ्यास करते हैं या खेलते हैं, अन्य खुले मैदानों को वो रखरखाव प्राप्त नहीं है कि बच्चे उसमें खेल पाए। ऐसे में बच्चों के खेलने के लिए कौन सी जगह बसती है? क्या गोड्डा प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए? अडानी जिसने चिल्ड्रन पार्क को गोद लिया, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती पार्क में व्यवस्था दुरुस्त करने की? कहिएगा, पार्क की स्थिति को देखकर जिस तरीके से लगातार गोड्डा डेवलप कर रहा है, इस पार्क को देखिए तो हमें लगता है कि दिन प्रतिदिन जो ये नीचे जा रहा है, क्या कहिएगा इसको? इसका उचित रख रखाव होना चाहिए था। गोड्डा का सबसे पुराना चिल्ड्रंस पार्क में से एक है, लेकिन पहले शायद जिंदल लिया था, फिर अडानी, लेकिन उस हिसाब से इसका ना मेंटेनेंस है, जबकि सप्ताह में संडे को बच्चे लोग आते हैं मनोरंजन के लिए और आसपास कोई इलाका है नहीं। SDO कोठी बगल में आवास है, तो उस हिसाब से और इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। बच्चे के लायक जो भी सीसा है, झूला वगैरह है, उसको लगाना चाहिए, लेकिन उस हिसाब का कहीं कोई प्रबंध नहीं है। जो झूला लगे हुए हैं वो भी टूटा हुआ है, बस खाना पूर्ति होता है, लगा दिया गया, उसके बाद कोई देखने वाला है नहीं, मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं है। क्या जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी नहीं बनती? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो नगर अध्यक्ष हैं, नगर से रिलेटेड हैं, हमारे विधायक हैं, उनको भी देखना चाहिए, सांसद भी बड़े बड़े विकास के बड़े बड़े, लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं। मनोरंजन का साधन है, खुली हवा में आदमी यहाँ पे आके सांस तो ले सकता है, खेल सकता है, और कहीं खेलने का आज इतना इस तरीके से लगातार गोड्डा जो है वो अब क्राउड यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और घूमने का जगह नहीं बचा है। अभी हम लोग गए हुए थे बायोडाइवर्सिटी पार्क, लेकिन वहाँ का आलम यह है कि संडे और सैटरडे 2 दिन खुलता है, 11 बजे से 5 बजे तक टाइम लेगा। इस गर्मी के दिन में 11 बजे कौन घूमने जाएगा? 5 बजे आदमी घूमने जाता है, 5 से कम 6 साढ़े 6 तो खुला होना चाहिए, लेकिन 5 बजे बोला है वापस जाइए 11 से 5 तक। इस 11 बजे कौन घूमने जाएगा? शाम में बच्चे लोग घूमने जाते हैं, शाम का समय है, अभी हम वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो मतलब वो पार्क भी कोई काम तो कोई काम करने 5 बजे बस 5 बजे घूमने के लिए जाया जाता है, सभी घूमने के लिए निकलते हैं गर्मी के दिन में। 5 बजे बंद कर दिया गया। अब 11 बजे इस गर्मी तपती धूप में कौन घूमने के लिए जाएगा? क्या इसको देखने वाला कोई नहीं है? क्या जिला प्रशासन कोई नहीं ध्यान देना चाहिए? हमारा DFO का आदेश है, तो बोले ठीक है, हम लोग DFO को टैग करेंगे, फिर उनको बोलेंगे कि जो घूमने का टाइमिंग है आप उसमें पार्क को बंद कर दे रहे हैं, ये कौन सा न्याय है? ऊपर से आप फी भी लेते हैं, फी क्यों लीजिएगा भाई? ये गवर्नमेंट का है, आप 2 दिन सप्ताह में खोलते हैं, उसके बाद फी भी लीजिएगा। तो इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे जनप्रतिनिधि जो भी हमारे नगर से रिलेटेड है, हमारे विधायक सांसद महोदय जो भी हैं, इस डिपार्टमेंट को जो भी देखते हैं, उनसे अपील है, उनको डेवलप कीजिए, अच्छे से रखाव की व्यवस्था कीजिए, एक गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर, और एक मेंटेनेंस दायित्व बनना चाहिए कि किसके अंदर में ये हो, इसकी रखरखाव कौन करेगा। और बायोडाइवर्सिटी पार्क, आपके माध्यम से हम बोलना चाहेंगे कि उनके ऊपर भी सही टाइमिंग खोला जाए, 5 बजे कम से कम 3 से 6:30 तक टाइमिंग हो, कि गर्मी के दिन में आप ही समझ सकते हैं इस समय कौन घूमने के लिए जाएगा। और हम लोग वहाँ गए तो बोला वापस जाइए, पार्क बंद हो रही है। हम बोले भाई अभी तो घूमने का समय है, बोला नहीं, हमारे DFO का आदेश है। मतलब जब ये फिर से दोबारा बनकर तैयार हुआ था उस टाइम जैसे रौनक था, अभी उस जैसा अभी रौनक नहीं है कोई। क्या कहिएगा, किसकी लापरवाही है?
लापरवाही अब जिसके अंदर ये गार्डन है वो इस सिस्टम को सुधारेगा तभी चाहिए। लाइट का व्यवस्था फवारे तो कई सालों से बंदे है, फर्स्ट टाइम जो चला कुछ महीना बस बंदे है। अभी किस था यहाँ पर कुछ पता चल पा रहा है आपको? यहाँ पे एक वो चक्री था घूमने वाला, उसमें तिदु घोरवा लगा हुआ था, बच्चा लोग चढ़ता था लेकिन बड़े लड़के लोग चढ़ के उसको तोड़ दिए हैं। तो इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है रख रखाव की, कौन देखेगा आखिर यहाँ? अगर बड़ा लड़का चढ़ेगा देखने की जिम्मेवारी किसकी है? नगर पालिका की है, नगर पालिका की जिम्मेदारी है। और यहाँ पे एक दीपक नाम का वो रख रखाव के लिए एक आदमी है, दीपक कुमार मैं नाम जानता हूँ, तो उनका रख रखाव उनकी जिम्मेवारी है ये देखने के लिए कि लाइट बत्ती का क्या है कंडीशन। नहीं लाइट तो ठीक है, ये यहाँ पर लैंप जो लगे हुए थे सबका क्या हो गया? लैंप तो खैर एक भी नहीं जलता है, बट बड़ा वाला लाइट एक जो जलता है, लैंप वगैरह जो था वो सारा टूटा हुआ, सारा जर्जर खराब हो चुका है।